तो दोस्तों हमें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था MIUI 12.5 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडियन यूजर काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ये जो अपडेट है कब इसे लॉन्च किया जाएगा। तो फाइनली Xiaomi तरफ से इसे कल लॉन्च कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अधिक यूजर की तरफ से ये सवाल आ रहे हैं कि फर्स्ट बैच और सेकंड बैच में कौन कौन से डिवाइस हैं जिन्हें MIUI 12.5 का जो है वो अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट स्टेटस देने वाले हैं कि आप सभी को फर्स्ट बैच और सेकंड बैच में कौन कौन से डिवाइस हैं जिन्हें MIUI 12.5 का जो है अपडेट देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट पे गौर करना चाहिए आप सभी को कि सबसे पहले कौन से डिवाइस को अपडेट देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं फर्स्ट बैच में जो डिवाइस है उन्हें सबसे पहले अपडेट देखने को मिलेगा जो आप सभी को MI सीरीज में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, MI सीरीज को सबसे पहले अपडेट देखने को मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो MI 10T, MI 10T Pro, MI 10, MI 10 Pro और MI 11 को, इन्हें सबसे पहले MIUI 12.5 का जो अपडेट देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड बैच जो यहाँ पर है आप सभी लोग देख ही सकते हो, सेकंड बैच में भी वही सभी डिवाइस हैं जो आप सभी को फर्स्ट बैच में देखने को मिलेगा। पर आप लोग थोड़े से बगल में आप लोग देखोगे तो आप सभी को सेकंड बैच जो डिवाइस है Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro और Redmi 9। जी हाँ दोस्तों, इन सभी डिवाइस को जो है सेकंड बैच में अपडेट देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूजर की तरफ से ये सवाल आ रहा है कि ये जो अपडेट है और कई सारे डिवाइस को देखने को मिलेंगे या नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो नीचे में आप सभी को और एक नया देखने को मिलेगा, छोटा सा एड मोर टू कम। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप सभी को आने वाला समय में और भी जो डिवाइस हैं जैसे कि Redmi Note 7 सीरीज हो गया, फिर और भी जो स्मार्टफोन है जिन्हें मिलना चाहिए MIUI 12.5 का अपडेट, उन्हें ऐड किया जाएगा आने वाला वक्त में। तो काफ़ी ज़्यादा यूजर की तरफ से ये सवाल आ रहा है कि ये जो अपडेट हमें कब से मिलना स्टार्ट होगा। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट में देख सकते हो आप सभी को स्टार्टिंग क्वार्टर सेकंड 2021 में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग देख ही सकते हो कि सेकंड क्वार्टर बैच में आप सभी को 2021 में अपडेट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले MI सीरीज के जो भी स्मार्टफोन हैं उन्हें सबसे पहले अपडेट देखने को मिलेगा, उसके बाद में जो स्मार्टफोन वहाँ दिए गए सेकंड बैच के उन्हें अपडेट देखने को मिलेगा, मतलब सेकंड क्वार्टर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर उस दौरान में और भी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएंगे तो आप सभी को 12.5 लिस्ट में और भी कई सारे जो डिवाइस हैं वो इंक्लूड कर दिया जाएगा। वो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हो एड मोर टू कम। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब वही है। तो फिलहाल के लिए आपके पास अगर ये सभी डिवाइस हैं तो आप लोग स्टे ट्यून रहना, आप लोग अपडेट कभी भी सेकंड क्वार्टर बैच में देखने को मिल सकता है। और जिनके डिवाइस लिस्ट नाम नहीं है उन्हें स्टे ट्यून रहना चाहिए क्योंकि उनके लिए भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आप सभी को सबसे पहले अपने चैनल पर दे देंगे। तो दोस्तों अगर ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।